जी टीवी के सभी शोज को फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जी टीवी के सभी शोज की कहानी काफी ज्यादा अच्छा दिखाई जाती है। जी टीवी पर हमें रात के 10 बजे देखने को मिलता है आदिति शर्मा एंड करणवीर शर्मा स्टारर शो रब से है दुआ। इस शो को फैंस बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। ये शो की जो कहानी वो मुस्लिम बैकड्रॉप पर बेस्ड है। इस शो में हमें दुआ और हैदर की कहानी देखने को मिल रही है, जो फैंस को बहुत ही ज्यादा ये शो एंटरटेन कर रही है। इस शो में बहुत ही जल्द एंट्री करने वाली है सीरियल कुमकुम भाग्य फेम आपके फेवरेट अरिजीत तनेजा। इस शो में अरिजीत तनेजा की एंट्री से कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाली है। खबर ये निकल कर रही है अरिजीत तनेजा इस शो में हमें दुआ यानी आपके फेवरेट आदिति शर्मा के ओपोजिट नजर आने वाली है। इस शो में अपकमिंग एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाली है। जो हैदर की माँ है हीना, वो दुआ को धक्का देने वाली है, दुआ के सिर पर चोट लगने वाली है और वो सब कुछ भूल जाने वाली है। उसके साथ ही हमें अरिजीत तनेजा की एंट्री देखने को मिलेगा शो में। तो इस शो में अरिजीत तनेजा हमें दुआ के साथ देखने को मिलेगी, तो उनके एंट्री से इस शो में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। रब से है दुआ हमें जी टीवी पर रात के 10 बजे देखने को मिलता है। इस शो का टीआरपी भी बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल कर आता है। पहले इस शो का टीआरपी बहुत ही ज्यादा लो था। खबर तो यही निकल कर आया था कि रब से है दुआ बहुत ही जल्द ऑफेयर होने वाला है, लेकिन इस शो की टीआरपी में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला और इस शो को एक्सटेंशन मिल गया। इस शो का फर्स्ट एपिसोड 28 नवंबर को शुरू हुआ था 2022 में। पहले तो इस शो का टीआरपी सिर्फ 0.6 और 0.7 ही निकल कर आ रहा था, लेकिन कुछ वक्त से इस शो का टीआरपी 1.0 और 1.1 निकल कर आ रही है, जो काफी ज्यादा अच्छा टीआरपी है। क्योंकि ये शो हमें रात के 10 बजे देखने को मिलता है उसी टाइम स्लॉट पर टेलीविजन का नंबर 1 शो अनुपमा भी टेलीकास्ट होता है। तो अनुपमा जैसे एक शो के साथ कंपेयर होने के बाद भी इस शो का टीआरपी 1.0 निकल कर आता है, तो काफी ज्यादा ये शो अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्या आप देखते हैं रब से है दुआ जी टीवी पर? कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।